वर्ग 7 के अंतर्गत दूसरा पाठ कंठहार के बारे में बताने जा रहा हूँ। वैसे तो मैं लैपटॉप के माध्यम से 10 अध्याय तक पढ़ा चुका हूँ, परंतु आपको परीक्षा में मात्र 4 लेसन से पढ़ रहेंगे। 1, 2, 3, 4 लेसन तक परीक्षा में प्रश्न रहेगा और 4 को ही अच्छी तरह से आपको तैयारी करना है, अच्छी तरह स्मरण करना है, इसी 4 में आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अब ये बता रहा हूँ, दूसरा पाठ है कंठहार, मतलब गले की हार को कंठहार कहते हैं। यह कहानी हमें शिक्षा देती है कि हमें दिखावा का जिंदगी नहीं जीना चाहिए, हमें हकीकत का जीवन जीना चाहिए। जो हकीकत के जीवन में सुख है, वह दिखावा वाला जीवन में दुख ही दुख है, जैसा कि मती लदा और ये मिस्टर लुई सेल के साथ हुआ था। आजकल हमारे समाज में लोग दिखावा ज़्यादा करते हैं, हकीकत पर नहीं चलते हैं। कुछ लोग अपने को महान मानते हैं, सबसे बड़ा इंसान मानते हैं, और दूसरों को बहुत बेवकूफ़ मानते हैं। यही दुनिया है, दुनिया के लोगों में यही सोच बढ़ गई है। उसमें से एक मती लदा नाम की एक आकर्षक युवती थी। वह एक गरीब परिवार की लड़की थी, साधारण परिवार की लड़की थी, परंतु उसका रहन सहन, पहनावा उनावा इस प्रकार से था कि कोई भी देखता ना तो उसको किसी अमीर घराने की लड़की ही मानती। उसे अमीरी जीवन बड़ा पसंद था। अमीरी जीवन का मतलब क्या है? एक खूब होटल में सुबह शाम जलसा हो, तरह तरह का दावत आवे, बड़े बड़े लोगों के यहाँ से निमंत्रण आवे, कीमती कीमती कपड़ा पहने, कीमती जेवर पहने और कीमती कार पर हवा खाएं, यही उनका था। सोना चांदी का की भरमार हो, चांदी के बर्तन में खाना खाएं और सोना का जेवर पहने, यही इसका मुख्य जीवन का उद्देश्य था। भगवान ने इसको मिस्टर लुई सेल जैसे आदमी से इसका विवाह हो गया। मिस्टर लुई सेल भी क्या थे तो शिक्षा विभाग में बाबू थे। शिक्षा विभाग का बाबू का मतलब हो गया कि शिक्षा विभाग के पदाधिकारी थे। तो आजकल शिक्षा विभाग में देखते ही हैं, पूरा एकदम चांदी काट रहे हैं पदाधिकारी, चांदी तुम्हारा काटते हैं जो है पदाधिकारी लोग जो है सो। शिक्षा विभाग में बाबू होने के कारण रोज़ इनको आमदनी होता था। रोज़ जो है सो आमदनी होने के बाद ही क्या था कि इनकी पत्नी को कभी भी कपड़े से और जेवर से संतोष नहीं होता था। जो खाते थे घर में उससे इनको संतुष्टि नहीं थी। एक दिन किसी मंत्री के आने का प्रोग्राम बना, उस मंत्री में मिस्टर लुई सेल को आमंत्रित किया गया था। मिस्टर लुई सेल ने मती लदा को उस सभा में, उस भोज में, उस दावत में चलने के लिए कहा। इस बात पर वह तैयार तो नहीं हुई, कही बोली कि हमको कपड़ा नहीं है, हमको कपड़ा जेवर वैसा पोशाक ला दो तब हम जाएंगे। मिस्टर लुई सेल ने उसे कपड़ा ला दिया। उसके पास जो पैसे जो उसके पिताजी ने 18,000 फ्रेंक्स छोड़ गए थे वो उसके पास था, वह उसे दे दी। वह गई और अपना मनपसंद जो है सो कपड़ा खरीदी। उसके पास उस पार्टी में जाने के लिए हार नहीं था, अतः उसने हार के लिए जब कोई उपाय नहीं सूझा तो वह अपनी सहेली के पास चली गई और सहेली के यहाँ से हार मांग कर लाई। वह हार पहन कर गई उस पार्टी में। वहाँ खूब डांस प्रोग्राम हुआ, खूब रात भर नाच गान प्रतियोगिता हुआ, जमकर जो है सो प्रोग्राम हुआ। और न जाने इनका गला का हार, जो डायमंड का हार था, हीरा का था, वह न जाने कहाँ फिसल गया, कहाँ खिसक गया और कहाँ गिर गया, इनको कोई खोज खबर नहीं हुआ। जब यह वापस घर आई और आईने में अपना चेहरा देखा तो हर हीरा का हार नहीं था गला में। अब तो मती लदा को लगा कि धरती खिसक के ऊपर चला गया, मती लदा नीचे चली गई। समझ गए?
सो इस परिस्थिति में उनको ऐसा लगा कि अब हमारा हार नहीं मिलेगा। उस हार को खोजने के लिए वह उस जगह पर गए जहाँ पर वह नाच गान का कार्यक्रम दावत हुआ था। लाख खोजे नहीं मिला। जिस टेम्पू से ये यात्रा किए थे वहाँ पता लगाए, पुलिस स्टेशन में भी जाने की बात सोची, और यहाँ तक के कि इनको अंतहार नहीं मिला। अब इसके खोजने के लिए इनको कितना परेशान होना पड़ा। अंत में इनको निराशा हार लगी, इनको हार नहीं मिला। अब हार खरीदने के लिए यह मती लदा को पैसे दिए, जो इनके पिताजी इनके लिए छोड़ गया था, उस पैसा को वह लेकर जाकर के हार खरीदा, और हार वापस ला करके जिसका हार लेकर के गया था अपने पड़ोसिन की, उसको पहुंचाया, और वहां से जब उसका उस हार को कीमत चुकाने के लिए वह बड़े बड़े ऊंचे ब्याज पर ऋण लिया, ऋण लेकर के का हार खरीद करके वापस किया। उसको चुकाने के लिए अब मती लदा और मिस्टर लुई सेल को क्या करना पड़ा, तो छोटा घर मकान का किराया ज़्यादा लगता था उसको छोड़ दिया, एक छोटा कमरा लिया जिसका किराया कम था, उसमें गुजर बसर करने लगा। बड़ी कष्ट से अपना जीवन यापन करके उसको उस हार का कीमत चुकाने के लिए 10 साल परिश्रम करना पड़ा। इसलिए बच्चों, हमें किसी से उधार नहीं लेना चाहिए, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए। अपने पास जो भगवान दिए हैं उसी में संतुष्ट और प्रसन्न रहना चाहिए। बेसिक तमन्ना नहीं कीजिए, बेसिक की इच्छा कीजिएगा तो गड़बड़ा जाइएगा। धन्यवाद बच्चों, आपको मैंने प्रश्न का आंसर बताया हूँ, फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे पूछेंगे, और इसके आगे जो भी क्वेश्चन हो 4 अध्याय आपको पूरा फिट कर लेना है। धन्यवाद।